अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आलू गोभी का सालन बनाने जा रहे हैं, तो ये देखने के इसके लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैंने एक मीडियम सी गोभी ली है, आप देख सकते हैं इसका साइज़, और इसमें तीन आलू लिए हैं। आप तीन से चार आलू ले लें, चाहे छोटे आलू हैं तो तीन ले लें, चार ले लें, लेकिन तकरीबन इससे ज़्यादा भी टू मच हो जाएगा। तो इनको छील के मैं काट लेती हूँ, तो फिर हम चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। अब हम अपना मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें पैन में आप तेल डालें, तीन से चार खाने के चम्मच, या अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा ज़्यादा डालें। इसमें अब हम अनियन डाल देंगे, बस ये एक अनियन है, बहुत ज़्यादा मसाला इसका बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोभी पहले ही थोड़ी सी मीठी होती है, सो इसमें ज़्यादा आप अनियन नहीं डालेंगे। एक छोटा अनियन इज इनफ, छोटा या मीडियम दैट्स फाइन। अब इसको जब हल्का सा ये हो जाएगा गरम, तो फिर हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं इसको बस एक मिनट हुआ है, हम साथ ही अब जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। दो टीस्पून डाल दें, कि बहुत ज़्यादा गोभी नहीं है, दो टीस्पून। ये देखने भर के, ये देख लें आप, भर के मैंने डाल दिया। बस इसको अब हम दो मिनट पकाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने बाकी मसाले डालते हैं। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो रहा है, तो अब हम इसमें बाकी मसाले डाल देते हैं। तो ये हैं जी दो ग्रीन चिली और एक बुलर चिली और थोड़ा सा जीरा है तकरीबन हाफ टी स्पून, और एक है टमाटर। तो ये सारी चीज़ें डाल दें। टमाटर का मैंने पील उतार दिए। अब जब जैसे ही इसका थोड़ा सा इसको हो जाएगा ना कि टमाटर अपना पानी छोड़ देगा, फिर हम बाकी नमक मिर्च बाकी मसाले डाल देंगे, नहीं तो फिर एकदम से मिर्च जल जाती है। या तो आप पानी ऐड करें, लेकिन सब्ज़ी में बेहतर है पानी ना ऐड करें, क्योंकि इसको आपको भूनते भूनते ही पकाना है, फिर ये उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो इसको मैं एक सेकेंड के लिए ढक देती हूँ, ताकि टमाटर अपना पानी थोड़ा छोड़े, फिर मैं मसाले डालती हूँ। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। 1 teaspoon ऑफ ड्राई कोरिएंडर, 1/4 teaspoon ऑफ टर्मेरिक, और 1 teaspoon है क्रश रेड चिली, 1 teaspoon सॉल्ट एंड 1/2 teaspoon रेड चिली। ये सारे डाल दें। अब हम साथ ही आलू गोभी डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने छोटा गोभी का आपको नहीं, छोटा साइज रखना है जितना भी छोटा हो जाए, और आलू का तो जस्ट नॉर्मल साइज जैसे आप काटते हैं बस ऐसे इतना सा देख लें। अब ये सारा डाल दें। अभी मैंने इसको तेज आंच पे रखना है जब तक इसका पानी वगैरह खुश्क ना हो जाए। तो अब करना क्या है कि इसको मैं 2 सेकंड के लिए ढकूंगी, ताकि आलू को भी थोड़ा सा पानी छोड़े, तो फिर मैं ढक्कन उतार के इसको ज़रा भूनूंगी, और फिर हमने इसको थोड़ा सा दम पे देना है, अगर ज़रूरत पड़ी, अगर आलू कच्चे लगे तो फिर हम थोड़ा सा दम पे दे देंगे। अभी थोड़ा सा आप ढक दें, बस तकरीबन 2-3 मिनट के लिए हिला के ढक दें। अभी से 3 मिनट हो चुके हैं ढके हुए, तो आप लोग चेक कर लें, माशाल्लाह इसने पानी छोड़ दिया है। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि ये जो सारा पानी है ये फिनिश हो जाए। जो सब्ज़ी होती है ना, कोई भी सब्ज़ी हो, लेकिन आलू को भी तो आपको पता बहुत जल्दी गल जाती है, तो आप तो इसको भूनते भूनते ही बस बनाना है। एंड में अगर ज़रूरत हुई तो 2-3 मिनट का दम दे देंगे, नहीं तो ये भूनते भूनते ही गल जाती होती है। तो मैं इसको 10 मिनट के लिए भूनूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें कोई ज़्यादा मसाले भी नहीं डाले, सिर्फ हमने जीरा डाला थोड़ा सा, तो सब्ज़ियों में ज़्यादा मसाले नहीं ज़रूरत होती है। और टमाटर भी इसमें मैंने सिर्फ एक डाला है, ये भी अगर आप चाहें तो डालें, ऑप्शनल है, ना डालें तो कोई बात नहीं है, वैसे इसके बगैर भी गोभी बहुत अच्छी बनती है। तो चले मिलते हैं 10 मिनट के बाद। इसको भूनते हुए मुझे माशाल्लाह 8 मिनट हो गए हैं,
तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। इसका पानी बिल्कुल फिनिश हो गया, लेकिन तेज से ही हम ढकेंगे। आप चाहें तो 1 डिग्री कम कर दें, लेकिन ज़्यादा मीडियम नहीं करनी है। अब इसको 2-3 मिनट हो गए हैं तेज पे, मैंने 1-2 दफ़ा बीच में चलाया। अब इसका पानी बिल्कुल फिनिश हो गया है, तो अब आप इसको ज़रा मीडियम पे 2-3 मिनट दम दें। अब आप धीमी कर दें, नहीं तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगी। अब इसका पानी पूरी तरह मसाला फिनिश हो चुका है, और अब आप दोई की मदद से जब गोभी को थोड़ा थोड़ा तोड़ते जाएँ, क्योंकि जब जितनी बारीक होएगी ना, उतना इसका टेस्ट अच्छा बनेगा। आलू को नहीं, गोभी को आपने हल्का हल्का अभी और गल जाए, फिर मैं हल्का हल्का इसको मैश करूँगी, ताकि वो भी बहुत टेस्टी लगती है, ऐसे मसाला उसमें अंदर तक चला जाता है। तो चले मिलते हैं, अब मैंने मीडियम पे कर दिया थोड़ी देर में। अब 4 मिनट का हमने और दम दिए, तो चले देखते हैं कि आलू गल गया। देखें, हर किसी के चूल्हे का ज़रा फ़र्क होता है, आँच का फ़र्क होता है। अगर आपको इतनी देर के बाद भी ज़रा खड़ा लगे, तो आप 1-2 मिनट के लिए और दम दे दें, जब तक आलू अच्छे से गल नहीं जाता। ये दोनों सेम ही टाइम लेती है, गोभी भी आलू भी। तो हम देख लेते हैं, ये देख लें, माशाल्लाह आलू बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें अपना ग्रीन स्टफ डाल देते हैं, फ्रेश कोरिएंडर एंड ड्राई मेथी, जीरा। अब ये माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। अब देख लें, इसमें कोई पानी नहीं है कहीं, क्योंकि ये भूनते भूनते पका है। तो अब हम इसमें, ये है जी फ्रेश कोरिएंडर, ड्राई मेथी एंड थोड़ा सा जीरा, तकरीबन 1/2 टीस्पून, क्योंकि थोड़ा सा पहले भी डाला था। तो ये सारा डाल के अब इसको आप मिक्स कर लें, तो माशाल्लाह इसको ट्राई करें। अगर नमक वगैरह आपको कम लगे, तो आप प्लीज़ उसको अपने हिसाब से पूरा कर लें, और फिर बना के मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। चलिए हम देखते हैं, तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं इसको दम पे, तो हम चेक कर लेते हैं गोभी को। अब आप इसे हल्का सा ऐसे तोड़ दें, 2-2, 3-3 पीस कर दें हर गोभी के ना, ताकि वो इसके अंदर तक मसाला चला जाए। अगर आप ऐसे ही रहने देंगे, ज़रा बड़ा बड़ा फूल इसके अंदर, फिर मसाला नहीं जाएगा ज़्यादा, फिर आपको फीकी फीकी लगेगी। और एंड में अगर किसी भी सालन में आपको मिर्च कम लगे ना, तो ये जो पत्ते वाली मिर्च होती है ना, चॉप्ड रेड चिली, ये आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूसरी रेड चिली जो होती है वो आप नहीं ऐड करेंगे, वो उसका कच्चापन आएगा। या फिर ग्रीन चिली जो होती है, उसको आप बारीक बारीक काट के वो डाल के थोड़ी सी भुनाई कर दें, फिर उसका जायका निकल आएगा। तो ये 2 चिलीज़ आप ऐड कर सकते हैं एंड में। अब ऐसे हल्का सा आलुओं को बचा के इसको हल्का सा तोड़ दें डोई के साथ, कि 2-2, 3-3 इसके पीस हो जाएँ। एक अभी खड़ी है, ज़रा ज़्यादा नहीं गली है, तो थोड़ा सा हमें और दम चाहिए। अब हम इसको तकरीबन 2 मिनट और मैं दम दूंगी, तो माशाल्लाह आलू तो मेरे ख्याल में टूटने वाला है पहले ही। नहीं, आलू भी थोड़ा सा खड़ा है, तो हाँ 2-3 मिनट बस हम इसको और दम देंगे, तो इंशाल्लाह ये फिर तैयार है।